हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू कुक कुकिंग। आपको तो पता ही है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली में हम मिठाई बनाए बिना कैसे रह सकते हैं। हमारी मनपसंद मिठाई बनाने के लिए जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है खोया, या फिर जिसे हम मावा भी कहते हैं। बाजार से जो हम मावा लाते हैं उसमें प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती, और अभी हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति में बाजार से मावा लाना सेफ भी नहीं है। तो आज हम घर पर ही बहुत थोड़े से दूध से बहुत सारा मावा बनाएंगे। आप हमारे मावे का टेक्सचर देख सकते हो, ये कितना क्रीमी और कितना सॉफ्ट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना हमको इंस्टाग्राम पे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। खोया बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता होगी। 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप दूध और 2 बड़े चम्मच देसी घी। हम जितना दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उससे डबल हमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना है। सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से आज हम मावा बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं घी डाल दूंगा। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें दूध डाल देंगे, और गैस को हमें मीडियम पे रखना है। अभी मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद मैं इसको लगातार मिलाता रहूँगा। हम इसको 2 से 3 मिनट तक गर्म करेंगे, जब तक कि हमारा दूध अच्छे से गर्म नहीं हो जाता। 2-3 मिनट बाद जब हमारा दूध गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर को एक साथ ऐड मत करना, हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यदि हम एक साथ मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। पहले इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा और मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, फिर इसको और अच्छे से मिलाएंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। हमें इसको चम्मच से अच्छे से चलाना है ताकि ये कढ़ाई से चिपक न जाए। इसी तरह से हम सारा मिल्क पाउडर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। यहाँ पे हम गैस को थोड़ा सा और कम कर लेंगे। यदि गैस थोड़ी हाई रही तो मिल्क पाउडर कढ़ाई के चिपक जाएगा। अभी मैंने इसमें सारा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगा। हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ध्यान रखना, हमें इसको अच्छे से चलाना है, कढ़ाई की ये बिल्कुल नहीं चिपकना चाहिए वरना ये जल जाएगा। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसमें क्रीमी टेक्सचर आने लग गया है। पूरे 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से चलाने के बाद हमारा मावा बनके तैयार है। देखो इसमें कितना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, और ये बिल्कुल वैसा बना है जैसा मार्केट वाला होता है, थोड़ा दरदरा जैसा। बिना किसी मिलावट के हमारा मावा बनके तैयार है। सिर्फ 3 चीज़ों से हमारा मावा बना है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये 100% प्योर है। हमारा मावा तो बनके रेडी है, अभी हम इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर हमने एकदम क्रीमी मावा बनाया है। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जमने के लिए फ्रिज में रख दूंगा। मैंने इसको एक शेप दे दी है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगा। बहुत ही सॉफ्ट हमारा खोया बनके तैयार हुआ है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब हमारा मावा जमकर एकदम रेडी है। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट मावा बनके तैयार हुआ है। बिना किसी मिलावट के एकदम प्योर हमारा मावा रेडी हुआ है। आप इस त्योहारों के सीजन में एक बार ये मावा की रेसिपी जरूर ट्राई करना। सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर हमारा ये मावा बनके तैयार हुआ है। वैसे हम सिर्फ दूध से मावा बनाते हैं तो उसमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, इसमें सिर्फ 4 से 5 मिनट लगे हैं हमको। इस इंस्टेंट खोया की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करना, यह आपकी मिठाई को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत मददगार रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये खोया की रेसिपी कैसी लगी, और ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपने ये खोया कौन सी मिठाई में काम में लिया है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी ही रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।